फिर से चूहे चर्चा में हैं। बिहार में पहले भी चूहे सुर्खियां बटोर चुके हैं। चूहों ने इस बार सरकारी अस्पताल में सलाइन की बोतल कुतर दिया है। सैकड़ों सलाइन की बोतलों को स्टोर करके रखा गया था, मगर चूहों ने उन्हें कुतर कर बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ मामला कटिहार के सदर अस्पताल का है। यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने जिला सदर अस्पताल में सलाइन की बोतलों को भेजा था, जहाँ से जिला के प्राइमरी अस्पतालों को बोतलें रवाना की जाने वाली थी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब प्रभारी अस्पताल अधीक्षक ने कर्मचारियों से जानकारी ली। डॉक्टर अरविंद प्रसाद शाही कहते हैं, जब मैंने सलाइन की बोतलों के बारे में पता किया तो कर्मचारियों ने कहा कि चूहों ने कुतर दिया है। मैंने फौरन दवाइयों और सलाइन के स्टोर रूम का मुआयना किया। मैंने वहां बोतलों को बहुत बुरी हालत में पाया। इसके बाद मैंने मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि अनलोडिंग के दौरान लापरवाही बरती गई होगी। बिहार में इससे पहले भी चूहे पर काफी हंगामा मच चुका है। कैमूर और पटना में मालखाने से जब शराब की सैकड़ों लीटर बोतलों को चूहे डकार चुके हैं। कुछ दिनों बाद नदी में बांध को नुकसान पहुंचाने के लिए भी चूहों को जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। साल 2017 में उत्तरी बिहार में आई बाढ़ में कई बांध भरमराकर गिर गए थे। जेडीयू नेता ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बांध में सुराख चूहों के कारण हुआ था। इसके अलावा पटना में जब नकदी की रकम को चूहे खाकर सुर्खियों में रहे थे। स्पेशल डेस्क BHPC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।